अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे ट्राउज़र का प्यारा सा डिज़ाइन। उसके लिए हम ये लेस लगाएंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड से फ्लावर्स के ऊपर सिलाई लगाओ। आप कोई भी फ्लावर्स के नेट का पैच कोई भी लेस ले सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर सारी सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से, फ्लावर्स के ऊपर भी और नीचे भी। फिर इसके बाद हम इस पर 1.5 इंच का 1 इंच का मार्जिन लेके इस पर हम लेस अटैच करेंगे। शटल लेस आप कोई भी से ले सकते हैं, मैंने सेम ऊपर वाली लेस की मैचिंग लेस ली है। इसको हम 1 इंच के मार्जिन पे रख के सारा सिलाई लगा लेंगे। पहले आप 1 इंच के मार्जिन पे, फिर आप सिलाई लगाना शुरू करें। मैंने ये 1 इंच पर सिलाई लगा ली है, फिर मैंने इसको प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स आप 1 इंच के मार्जिन पे थोड़े चौड़ाई वाले प्लेट्स डालेंगे, तकरीबन 1/2 इंच का प्लेट्स हमारा होगा। ये प्लेट्स आप 3 डालेंगे, प्लेट डाल ली है, फिर इसको प्रेस करके उठा लिए। इसी तरह हम दूसरी प्लेट भी डाल लेंगे, तो भी हम अच्छे से इस्त्री से प्रेस कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 प्लेट्स डाली हैं, इसी तरह मैं 3 प्लेट्स भी डाल लूँगी प्रेस की मदद से। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ये मैंने बिठा लिया है, इसको इस तरीके की मदद से बिठा लेंगे। ये मैंने 3 प्लेट इस तरीके की मदद से बिठा लिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे हमारे प्लेट्स बनके तैयार हो गए हैं। इसके बाद 1 इंच का हम फिर निशान लगाएंगे और इसके अंदर हम ये सीढ़ी लेस अटैच करेंगे। ये हम इसको कटिंग कर लेंगे, 1 इंच पे निशान लगा के ये मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिए। इसमें इसको सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। ये मैंने एक तरफ से अटैच कर लिया, इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी अटैच कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार होगा। मेरी वीडियो का एंड तक, इसी तरह मैंने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा ली है। ये हमारी सिलाई लग के तैयार है, मैंने इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से बिठा लिया है। देखिए हमारा इतना डिज़ाइन ही कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने इसके बाद इसके ऊपर गोल कटा बनाने हैं। ये मैंने कॉटन पेपर पे इसके गोल कटा बना लिए हैं। फिर हम इस तरह की मदद से इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे, इसका रुख देख लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। ये मैंने लूप्स बना के 2 लूप्स अटैच करके सुई की मदद से इन दोनों को आपस में अटैच कर लिया है, ताकि ये हमारे लूप्स आगे पीछे ना हो। ये मैंने कपड़े पर बिठा लिया इसको अच्छे से प्रेस करके। फिर हमने इस कपड़े का सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद हम इसके ऊपर की सिलाई लगा लेंगे जो हमने तरपाई करना है। नीचे से हम वैसे ही छोड़ देंगे, सेंटर के साथ सेंटर मिला के। हमें ट्राउज़र की लेंथ इतनी चाहिए, मैंने इस तरह की मदद से इसको फोल्ड कर लिया और ये मैंने सेंटर का निशान लगा लिया। ये हमारा पेंट ट्राउज़र है, इसलिए इसका एक साइड छोटी एक बड़ी होगी, तो हमने सेंटर पर ये लेना है। सेंटर के साथ सेंटर मिला के इस तरह की मदद से हम इसको बिठा लेंगे और जो हमने लूप्स बनाए थे उसको गोल कट के ऊपर बिल्कुल अंदर की तरफ रुख करके इसको भी साथ सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि ये बहुत ही नीट सिलाई लगे। ये मैंने सारी सिलाई लगा ली और लूप्स इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गए हैं। फिर मैंने ये सारा कपड़ा एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है ये मैंने कटिंग कर देना है और ये लुक्स बाहर आ जाएंगे। मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया और इतना प्यारा हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।